देश में चुनाव काफी अच्छा चल रहा है, मूड है पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को वापस लाने का मूड, ऊर्जा है। जहां भी मैं जा रहा हूं नया नारा चला है, आप देखिए, अजीब सी बात है, पांच साल पहले अच्छे दिन आएंगे, 56 इंच की छाती है, ये नारे चल रहे थे। अब आप नरेंद्र मोदी जी को देखो, पहले भाषण ऐसे देते थे, अब भाषण ऐसे देते हैं। मैं बता रहा हूं, आप हंस रहे हो, मगर मुश्किल से अब ऐसे खड़े हो पाते हैं, और गलती से भी। आप देखिए हुआ क्या, इन्होंने कहा मैं सबका चौकीदार, अब चोरी पकड़ी गई। आमतौर से चोरी रात को होती है, चौकीदार जी ने सुबह सुबह कर दी चोरी, अनिल अंबानी को पैसा पकड़ा दिया, अब चौकीदार पकड़ा गया। अब फिर चौकीदार ने नया आइडिया निकाला। पहले कहते थे भाई और बहनों 56 इंच की छाती है, प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ, बना दिया। अब कहते हैं भाई और बहनों हम सब चौकीदार, पूरे का पूरा हिंदुस्तान चौकीदार। अरे मोदी जी, पूरा का पूरा हिंदुस्तान चौकीदार नहीं है। आपने चौकीदारी की बात की थी, आपने चोरी किया, अनिल अंबानी को पैसा दिया है, साफ बता दीजिए जनता को आपने क्या किया। और ये जो चौकीदार है भाइयों और बहनों, आप यहां पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो, और मैं आपको आज आपके काम के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो आमतौर से हमारे मीडिया वाले हैं आज थोड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये देखो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि चौकीदार ने इनको भी तंग किया है, चौकीदार ने इनको भी डिस्टर्ब किया है। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने इस चौकीदार से प्रेस वालों को आजादी दे दी, यही बजाएंगे पटाखे 23 में, ये बजाएंगे पटाखे, झिझक के लिखते हैं आज भी, थोड़ा मतलब झिझक के लिख रहे हैं, मगर थोड़ा आपने देखा होगा बदलाव है, इनमें भी बदलाव है, देखा आपने। तो लड़ा कौन चौकीदार से? ना, गलत मत बोलिए, राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ा। राहुल गांधी को स्ट्रेंथ कहां से मिलती है, ये आप क्या सोचते हो? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मुझे शक्ति नहीं देता क्या? आप ही की तो शक्ति है, आप ही की तो आवाज है, मेरे मुंह से आपकी तो आवाज निकलती है। मैं भाई और बहनों, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, आप एक बात समझ लीजिए, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं। उसने देखिए, मैं आडवाणी जी से लड़ा हूं 2009 के चुनाव में, 2004 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लाल किशन आडवाणी जी को हराया, मैं लड़ा हूं उनसे, विचारधारा अलग है और विचारधारा पे हम लड़े, उनको हराया। मगर मैंने एक बात देखी, चौकीदार ने जनता को छोड़ो, हिंदुस्तान के किसानों को छोड़ो, मजदूरों को छोड़ो, चौकीदार ने अपने गुरु का अपमान किया है। मतलब चौकीदार ने अपने गुरु को स्टेज से उठा के फेंक दिया नीचे। शर्म की बात है। हिंदुस्तान के युवाओं, आपको देखना चाहिए, इस देश का इतिहास सबसे जरूरी, माता पिता का आदर करना, गुरु का आदर करना, रिस्पेक्ट करना, जनता का आदर करना। नरेंद्र मोदी जी
हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का आदर नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी के दिल में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए प्यार है और उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। जहां भी जाते हैं मन की बात, मन की बात, मन की बात, कोई नहीं सुनना चाहता आपकी मन की बात, हो गया काम। अब जनता अपनी मन की बात, अपनी मन की बात वाली सरकार चाहती है। तो मैंने आपसे बोला, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, दिल्ली के युवा, माताएं बहने, नरेंद्र मोदी से मैं लड़ा मगर मेन काम आप लोगों ने किया है। अगर आज दिल्ली के किसी भी चौराहे पे, कुछ दिन पहले रेड लाइट पे मैं था, ऑटो रिक्शा वाला पास आता है, चुप, गाड़ी चला रहा था मैं, प्रियंका के घर गया था मैं, चुप रेड लाइट पे खड़ा था, ऑटो रिक्शा आता है मेरे पास, खड़ा होता है, ऑटो रिक्शा वाला मेरी ओर देखता है, मुस्कुराता है, कहता है चौकीदार चोर है। मैं बता रहा हूं आपको, और फिर कहता है राहुल जी घबराइए मत, सुनिए दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों की समझ, कहता है चौकीदार चोर है, और फिर मेरी ओर देख के कहता है राहुल जी काम चालू है। इसको इस बार हम ऐसा सबक सिखाएंगे, चौकीदार को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसको पता नहीं लगा क्या हुआ। ये दिल्ली के दिल में आवाज है, दिल्ली के दिल में, और जो दिल्ली के दिल में आवाज होती है वही आवाज हिंदुस्तान के दिल में होती है। दिल्ली रास्ता दिखाती है। अब देखिए, पहले आए थे नरेंद्र मोदी, आए धूमधाम से आए थे, याद है आपको, 5 साल पहले अच्छे दिन, वायदे कौन से किए थे? मैडम आप बताइए, मोदी जी ने कौन सा वायदा किया था? जो 3-4 वायदे जो उनके थे बता दीजिए, बताइए कौन से थे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा, किसानों को सही दाम दूंगा, दिल्ली का चेहरा बदल दूंगा, बोले थे ना। अब मुझे बताओ, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी बेरोजगारी की, किसानों की, 15 लाख की बात कर रहे हैं क्या? ना, कर नहीं सकते। आजकल नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, उसमें ऐसे 2 आईने लगते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, टेलीप्रॉम्प्टर कहा जाता है उसको अंग्रेजी में, उसमें पूरा लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी आपको किसानों की बात नहीं करनी, मजदूरों की बात नहीं करनी, दुकानदारों की बात नहीं करनी, मोदी जी गलती से भी 15 लाख मत बोल देना, नरेंद्र मोदी बेरोजगारी की बात मत करना, मर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी प्लीज गलती से भी ये चीजों के बारे में मत बोल देना, जनता भीड़ से कोई आके मारेगा आपको। तो नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का कल भाषण सुनिए। कल कहते हैं, राहुल गांधी से राजीव गांधी के बारे में बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर कल और आज एक शहीद व्यक्ति का अपमान करते हैं। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखिए मोदी जी, एक बात आप समझ लीजिए, आपके दिल में जितना भी गुस्सा हो, जितना भी क्रोध हो, जितनी भी नफरत हो, आप मुझे जो गाली देना चाहते हो दे दो, आप मुझसे जो कहना चाहते हो कह दो, आप मेरे पिता के बारे में, माता के बारे में, नाना नानी, दादा दादी, सबके बारे में जो कहना है आप कहो, मगर एक बात समझ लो और अच्छी तरह समझ लो, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, आप मेरे ओर जितनी भी नफरत फेंकोगे मेरे दिल से सिर्फ प्यार वापस आएगा। और मोदी जी समझ लीजिए, मोदी जी एक बात समझ लीजिए, मैं आपसे पार्लियामेंट हाउस में गले लगा था, याद रखिए,
वही प्यार नरेंद्र मोदी आपको 23 मई में हराने जा रहा है, आपकी धज्जियां उड़ाने जा रहा है। मुझे सिखाया गया है भाई और बहनों, ये आपके दिल में, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो और पूरे हिंदुस्तान के दिल में है, हमें सिखाया गया है। मोदी जी सुन लीजिए, इस देश के सब धर्म कहते हैं, अच्छी तरह सुनिए, ये बात आपके काम आएगी। इस देश के सब धर्म कहते हैं, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को प्यार से ही काटा जाता है। मोदी जी देखिए, यहां पे गठबंधन की बात हुई और मैंने साफ खुल के केजरीवाल जी से कहा, 7 की 7 सीटें जीतनी है, आप 4 सीटों पे लड़िए, हम 3 सीटों पे लड़ेंगे। केजरीवाल जी ने कहा, पहले कहा था कि हां 4 सीटों पे आप लड़ेगी, 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। जैसे ही मैंने बात मंजूर की, मैंने कहा हां बात एक्सेप्टेड है, वैसे ही केजरीवाल जी ने हरियाणा और पंजाब की बात शुरू कर दी। अब यू टर्न, अब देखिए, ये आपको सोचना है, क्या हो रहा है वो आपको सोचना है, समझना है, मगर एक बात याद रखिए, आप पिछले 5 साल देखिए, नरेंद्र मोदी के सामने कौन लड़ा, कौन सी पार्टी लड़ी और कौन सी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को पूरे हिंदुस्तान में टक्कर दी, ये आपको देखना है और समझना है। गुजरात में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, जहां नरेंद्र मोदी गए वहां कांग्रेस पार्टी लड़ी और कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी को हराया। और केजरीवाल जी को यह भी सोचना चाहिए कि 2014 में बीजेपी के लिए रास्ता कैसे खोला गया था, कांग्रेस पार्टी के बारे में झूठ किसने बोले थे, सिर्फ बीजेपी ने नहीं बोले थे। तो यह आपको देखना है, मेरी पूरी कोशिश है और आपने देखा है, मैंने अपना पूरा दम लगा दिया, मैंने निर्णय ले लिया था 5 साल पहले, मैंने निर्णय लिया था मैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दूंगा, 1 इंच नहीं बढ़ने दूंगा। और ये निर्णय मैंने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर लिया। हमारे लोकसभा में एमपी दिन भर बीजेपी के खिलाफ लड़ते थे, अपना खून पसीना दिया है हमने, इस बात को आप पहचानिए। अगर बीजेपी को रोका जा सकता है, अगर कोई पार्टी बीजेपी को रोक सकती है हिंदुस्तान में, तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, आप इस बात को मत भूलिए। और कोई नहीं रोक सकता है बीजेपी को, विचारधारा की लड़ाई है, उनकी विचारधारा है, हमारी विचारधारा है, विचारधारा की टक्कर है। मैं आपको यहां से गारंटी देकर कह रहा हूं, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी हराने जा रही है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।